नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ एक डबल डोर का रेफ्रिजरेटर, जो कि बहुत ही शानदार लुक के साथ में देखने के लिए मिलेगा आपको। दोस्तों अगर आप कोई डबल डोर का रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं जो कि स्टाइलिश लुकिंग के साथ में हो, फीचर्स भी आपको बहुत अच्छे मिले, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों गोदरेज का ग्लास डोर फिनिश के अंदर ये वाला रेफ्रिजरेटर, जो कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर रहेगा दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी काफी अच्छी मिलेगी। इसमें आप देखेंगे तो मिरर फिनिश के अंदर ये वाला रेफ्रिजरेटर रहेगा। इसके अंदर क्रिस्टल थोड़े छोटे छोटे इसके अंदर क्रिस्टल डिजाइन के अंदर मिलेगा, जो इसकी लुकिंग को और इनहेंस करते हैं, जो कि यूनिक डिजाइन के अंदर आता है दोस्तों ये वाला रेफ्रिजरेटर। इसकी हम बात करेंगे गोदरेज का दोस्तों, ये वाला रेफ्रिजरेटर रहेगा। इसके अंदर हम देखेंगे तो इसका जो लुकिंग रहेगा बहुत ही यूनिक रहेगा। साइड से आप देखेंगे दोस्तों तो मिरर फिनिशिंग के साथ तो है ही है दोस्तों, लेकिन आप साइड से देखेंगे तो एकदम एक्रेलिक डिजाइन के अंदर रहेगा दोस्तों ये वाला। और इसका जो टफन ग्लास होता है ये मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है दोस्तों, लॉन्ग लाइफ तक चल जाता है दोस्तों ये वाला प्रोडक्ट। और इसकी लुकिंग आप देख ही रहे हैं, अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को किसी अपने मॉड्यूलर किचन के अंदर आप लगाएंगे तो वहाँ की लुकिंग को और इनहेंस कर देगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको एडवांस मिलेंगे, इसका लेने का आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या इसका कंपनी ने प्राइस दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे अच्छा जो इस फ्रिज के अंदर आपको देखने मिलेगा इसका लुकिंग दोस्तों ये रहेगा दोस्तों मिरर फिनिश के अंदर, जिसकी लुकिंग काफ़ी अच्छी है। क्रिस्टल फिनिशिंग के अंदर आ जाएगा दोस्तों ये वाला रेफ्रिजरेटर, जो कि लुकिंग बहुत ही शानदार रहेगी। सबसे पहले हमें इसके अंदर देखते हैं तो हमें गोदरेज का लोगो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर ये गोदरेज का लोगो आ जाएगा, जो कि न्यू डिज़ाइन के अंदर रहेगा दोस्तों ये वाला। इसमें हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 2 स्टार रेटिंग के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा। हम देखते हैं पूरे साल के अंदर तो ये 271 यूनिट कंज्यूम करेगा पूरे साल के अंदर, ये 271 यूनिट कंज्यूम करेगा। और 2023 का मॉडल रहेगा, लेवल पीरियड 2023 का रहेगा दोस्तों। बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की, तो RT ईओन क्रिस्टल 310B ये इसका मॉडल नंबर पूरा रहेगा दोस्तों। बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की, तो ये आ जाएगा 272 लीटर का दोस्तों। ये वाला जो रेफ्रिजरेटर रहेगा वो आ जाएगा आपको 272 लीटर का। देखते हैं तो इसके अंदर हमें QR कोड मिल जाएगा, आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो सारी जानकारी आपको इस वाले रेफ्रिजरेटर के बारे में मिल जाएगी दोस्तों। जितने भी 2023 के रेफ्रिजरेटर रहेंगे सभी के ऊपर ये QR कोड पेस्ट आएगा, इस QR कोड को आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो सारी जानकारी आपको इस रेफ्रिजरेटर के बारे में मिल जाएगी, कि इसका मॉडल नंबर क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, लेवल पीरियड कब से कब तक वैलिड है। तो ये 2023 के जितने भी आप रेफ्रिजरेटर परचेज करेंगे सभी के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। साथ में हम बात करते हैं इसके कंप्रेसर की, तो जो इसका कंप्रेसर रहेगा दोस्तों उसकी कंपनी वारंटी देती है 10 साल की। और इसका जो कंप्रेसर है वो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि वो एक तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर बहुत कम कंज्यूम करेगा, और आपको जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी आपको उतनी ही कूलिंग देगा हर एक सेक्शन के अंदर दोस्तों। और ये मोर ड्यूरेबल होता है दोस्तों, लॉन्ग लाइफ तक इजीली चल जाता है, और इसकी नॉइस लेवल भी बहुत कम होती है जो इनका कंप्रेसर रहेगा। साथ में देखते हैं तो इसका जो ये जो गैस यूज़ करते हैं दोस्तों 100% ग्रीन गैस होती है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है। R600A ये यूज़ करते हैं, जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है। और दोस्तों ये वाला जो रेफ्रिजरेटर है स्टाइलिश के साथ साथ ये वाला रेफ्रिजरेटर विदाउट स्टेबलाइजर वर्क करता है, यानी कि इस वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट स्टेबलाइजर ये वाला रेफ्रिजरेटर दोस्तों वर्क करेगा। अब हम देखते हैं इसके इनसाइड लुकिंग। सबसे पहले हम इसका जो ओपन करेंगे फ्रीजर सेक्शन ओपन दोस्तों, ये आ जाएगा इस रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर कंपार्टमेंट, जो कि ऊपर की तरफ होता है। ये टॉप माउंट रेफ्रिजरेटर होते हैं दोस्तों, यानी कि ऊपर की तरफ इसमें आइस का चैम्बर होता है पूरा का पूरा, और नीचे हमारा फ्रिज कंपार्टमेंट होता है जिसमें हम कुछ भी नॉर्मल आइटम हम रख सकते हैं। ऊपर वाले में सिर्फ आइस ही जमते, यानी बर्फ़ का पूरा सेक्शन होता है दोस्तों। तो ये आ जाएगा इसका कंपार्टमेंट। इसके अंदर हम देखते हैं तो दोस्तों एक हमें मिल जाएगा नोब, जो कि कूलिंग कंट्रोलर रहेगा। इसके थ्रू आप कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम देखते हैं तो इसमें एक टफन ग्लास सेल्फी मिल जाएगी, जो कि रिमूवेबल रहेगी, यानी कि जैसे कोई हमारा बड़ा आइटम होता है, यानी कि जैसे केक होता है बड़ा साइज़ के अंदर, तो ईजिली आप इसे रिमूव करके अपना केक वगैरह इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर का एक बेनिफिट और देखने के लिए मिलेगा इस चैम्बर के अंदर, आपको एक मिल जाएगी आपको इसके अंदर दोस्तों आइस ट्रे, ये रिमूवेबल भी रहेगी और ये 4 साइड रिमूवेबल रहेगी, यानी कि आप इसे 4 साइड में कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि छोटे मोटे आइटम आपके इजीली जहां चाहे वहां स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये ऊपर नहीं आएगा नीचे आएगा, तो आप कहीं भी इस आइस ट्रे को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं दोस्तों, मूवेबल आइस ट्रे रहेगी। साथ में देखते हैं इसका डोर का स्पेस, तो डोर में भी स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कि हम मार्केट से
कुछ परचेज करके लेके आते हैं दोस्तों, जो फ्रोजन आइटम होते हैं, जैसे कि हमारी डेयरी के कोई प्रोडक्ट हो जाते हैं, जैसे पनीर हो जाता है या फिर हमारी चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, इजीली आप यहाँ स्टोर भी कर सकते हैं। और देखते हैं हम इसका डोर, तो डोर काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हैवी है, यानी कि कूलिंग रिटेंशन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर दोस्तों, यानी इसका कंपार्टमेंट का बहुत अच्छा यूज है और मूवेबल आइस ट्रे रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके फ्रिज कंपार्टमेंट की, तो फ्रिज कंपार्टमेंट में भी आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा दोस्तों। जितनी भी आप मार्केट के अंदर कोई भी फ्रिज देखते हैं, सभी के अंदर जो रेशियो होता है, यानी कि ऊपर का कंपार्टमेंट और नीचे पूरा 100% होता है, तो सारी कंपनियां जो रेशियो यूज़ करती हैं 40% ऊपर रखते हैं और 60% रखते हैं नीचे। लेकिन गोदरेज इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन करता है, इंडिया के कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऊपर का कंपार्टमेंट कम यूज़ होता है, तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करती है। ऊपर 30% यूज़ करती है और 70% का नीचे का रेशियो रखते हैं, तो 70-30 के अंदर ये कंपनी देती है। इनके जितने भी आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर देखेंगे सभी के अंदर यही रेशियो मिलेगा, तो इसलिए इसके अंदर नीचे का स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 272 लीटर के साथ में एक नीचे का स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, इसलिए ऊपर कंपार्टमेंट छोटा भी होता है। तो अगर आपको दोस्तों नीचे का कंपार्टमेंट यानी कि आपका फ्रिज कंपार्टमेंट का ज़्यादा यूज़ है, तो इस रेफ्रिजरेटर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके अंदर फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों हमें मिल जाएंगे टफन ग्लास सेल्फ, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये रिमूवेबल भी होते हैं। रिमूवेबल के साथ साथ दोस्तों आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, और ये मोर ड्यूरेबल होते हैं। 175 केजी तक ही वेट टेस्टेड होते हैं दोस्तों, यानी कि आप बड़े यूटेंसिल, हैवी यूटेंसिल्स भी इसके अंदर रख देंगे तो ये डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं तो दोस्तों हमें मिल जाएंगे इसके अंदर कूलिंग जो मिलेगी इसके अंदर बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हर एक सेक्शन के अंदर आप देखेंगे दोस्तों जो दो दो डक्ट दिए हुए हैं, जो कि हर एक सेक्शन के अंदर आपको ऑप्टिमम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है हर एक सेक्शन में उतनी कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। साथ में दोस्तों आइडियली इसके अंदर कंपनी जो इसके अंदर डाल के देती है, यानी कि दूध के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए या फ्रूट वेजिटेबल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, हम फ्रूट वेजिटेबल के लिए वेजिटेबल बॉक्स होता है तो इसके लिए हमें 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये रेफ्रिजरेटर आपको उतनी ही कूलिंग उसी सेक्शन के अंदर इतनी ही प्रोवाइड करेगा कि किसके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। साथ में देखते हैं तो ये आ जाता है दोस्तों कूल शावर टेक्नोलॉजी के साथ। इसका बेनिफिट ये होता है कि शावर की तरह आपको कूलिंग मिल जाती है हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये कूलिंग डक्ट से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो हर एक सेक्शन के अंदर आपको कूलिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर आपको, और सामने कूलिंग का नॉब भी रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग इस कूलिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। साथ में आप देखेंगे तो दोस्तों कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा इसके अंदर। इसके बाद हम देखते हैं तो इसके अंदर दोस्तों जितनी भी ये कूलिंग डक्ट्स दिए हुए हैं सभी के अंदर कंपनी ने नैनो कोटेड की सील्ड लगाई हुई है। जितने भी ये डक्ट दिए हुए हैं सभी पे ना कोटिंग करी हुई है नैनो सील्ड की, जिसका बेनिफिट ये मिलता है जैसे हम कोई प्रोडक्ट या मार्केट से कुछ भी हम परचेज करके लेकर आते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है उसको 95% प्लस तक डिसइन्फेक्ट करता है दोस्तों बैक्टीरिया वायरस वगैरह से। दोस्तों इसके अंदर बस ये होता है कि आपने कोई मार्केट से कुछ भी आप परचेज करके लाए तो 24 घंटे के अंदर उसको डिसइन्फेक्ट कर देता है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह इसको बिल्कुल डिसइन्फेक्ट कर देता है 95% प्लस तक। ये जितने भी कूलिंग डक्ट आपको दिख रहे हैं सभी पर कोटिंग की हुई है इस वजह से, क्योंकि जो भी एयर इसमें से निकलेगी वो नैनो शील्ड को टच करके आएगी और जो भी आपका सरफेस एरिया होगा फूड का उसको टच करेगी, इसलिए उसको 95% तक ये रिमूव डिसइन्फेक्ट भी कर देगी। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं इसके अंदर तो हमें मिल जाता है इसके अंदर 27 लीटर का वेजिटेबल बॉक्स, जो कि बहुत ही लार्ज साइज के अंदर रहेगा दोस्तों। आप इसके अंदर कोई भी मार्केट से कुछ भी आप परचेज करके लेके आते हैं तो उसको अप टू 30 डेज तक ये फ्रेश रखता है दोस्तों। उसकी वजह कई सारी हो जाती हैं, जैसे कि इसमें हर एक सेक्शन के अंदर कूलिंग अच्छी मिल रही है। साथ में आप देखेंगे तो मॉइस्चर कंट्रोलर मिल जाएगा। मॉइस्चर कंट्रोलर का बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि हमारी जो हरी सब्जियां होती हैं वो मॉइस्चर क्रिएट करती हैं, तो ये वाला जो रेफ्रिजरेटर रहेगा इसके ऊपर जो ये ऊपर वाला जो लगी हुई है दोस्तों सेल्फ, ये ना पानी को ना जकड़ लेता है, पानी को नीचे गिरने नहीं देता है, तो इसलिए आपके जो सब हरी सब्जियां होती हैं उसकी लाइफ को ना बढ़ा देता है। इसलिए इसके अंदर आपको मिलेगा अप टू 30 डेज का फार्म फ्रेशनेस, यानी कि आप कोई भी कुछ भी मार्केट से आप परचेज करके लाएंगे तो सेम एज वो वैसा ही रहेगा जैसे आप परचेज करके लेकर आए थे 30 दिन तक। उसके लिए इसमें कंपनी ने एक तो इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ करा है दोस्तों। 30 डेज फार्म फ्रेशनेस के लिए कंपनी ने 2-3 चीज़ों को मिक्स करके दिया हुआ है। एक तो इसमें कूलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि कूलिंग एयर डक्ट्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, मॉइस्चर कंट्रोलर रहेगा और इसकी पफ थिकनेस काफ़ी अच्छी रहेगी दोस्तों। इसकी जो पफ थिकनेस रहेगी यानी कि इसकी जो मोटाई रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है कंपनी ने इसके अंदर।
2.24 इंचेस की इसमें पफ थिकनेस है, जो कि कूलिंग रिटेंशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर बनी रहती है। इनकेस दोस्तों लाइट कभी कट भी हो जाती है तो इसके अंदर कूलिंग मेंटेन रहेगी लॉन्ग टाइम तक, और आपका जो फार्म फ्रेशनेस मिल रहा है वो इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के ही मिल रहा है, इसलिए इसके अंदर फार्म फ्रेशनेस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। साथ में हम देखते हैं तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर लार्ज ब्राइट लाइट भी मिल जाएगी, जो कि प्रिज्म लाइट रहेगी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं, जैसे हम गेट ओपन करेंगे पूरे फ्रिज कंपार्टमेंट के अंदर आपको लाइट ही लाइट मिल जाएगी दोस्तों, यानी कि नाइट में हम ओपन करेंगे तो पूरे सेक्शन के अंदर आपको लाइट मिल जाएगी। साथ में दोस्तों इसमें मिल जाएगा डिओडाइजर। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम कई सारी चीज़ें मिक्स मैच रखते हैं तो ओडोर मिक्सिंग ना हो, इसलिए इसमें डिओडाइजर भी मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डोर के स्पेस की, तो डोर में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक्ट्रे मिल जाएगी, 1, 2, 3, 4 सेल्फ मिल जाएंगे आपको डोर के अंदर भी, तो यहाँ आपके 2.5 लीटर की काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर बॉटल आ जाएंगी। आप यहाँ भी कुछ भी आइटम रख सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह या छोटे मोटे आइटम हैं, आप इजीली यहाँ भी वो रख सकते हैं। साथ में इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा एंटी बैक्टीरियल गैसकेट। इसका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इसका बहुत अच्छा रोल होता है हमारे रेफ्रिजरेटर का। जब हम इसको खोलते हैं बंद करते हैं तो हमारे जो बैक्टीरिया जम्स वगैरह होते हैं वो यहीं से आने का खतरा रहता है, तो कंपनी इसमें केमिकल ऐसा मिला के भेजती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह की जो ग्रोथ होती है उसको ग्रोथ को रोकती है। तो ये एंटी बैक्टीरियल गैसकेट इसलिए होती है, और ये रिमूवेबल है और वॉशेबल है, आप रिमूव करके रीयूज़ कर सकते हैं और वॉशेबल है दोस्तों, ये वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी, लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी। बात करते हैं इसमें स्पेस की, तो दोस्तों आप स्पेस देख ही रहे हैं, स्पेस बहुत ही अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर। इस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो इसमें साल भर की आपको कंप्लीट वारंटी मिलेगी, 10 साल की मिलेगी इसमें कंप्रेसर की वारंटी, और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के अंदर है दोस्तों। अगर आपको स्टाइलिश फ्रिज देख रहे हैं तो इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात करते हैं इसमें बेनिफिट की, तो इसके अंदर हर एक सेक्शन में कूलिंग आपको अच्छी मिल रही है, 2-स्टार रेटिंग के अंदर है, 272 लीटर के अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम कर रहा है, यूनिक डिज़ाइन के अंदर है, ग्लास डोर के अंदर है, मिरर फिनिश के अंदर है जो कि लुकिंग को भी इनहेंस कर देता है, डिओडाइजर मिल जाएगा, प्रिज्म लाइट मिल जाएगी, कूलिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, मॉइस्चर कंट्रोलर मिल जाएगा जो आपके फ्रूट वेजिटेबल्स की लाइफ को और इंक्रीज कर देगा, पफ थिकनेस काफ़ी अच्छी है जो कूलिंग रिटेंशन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, एंटी बैक्टीरियल गैसकेट मिल जाएगी इसके अंदर। तो सारे फीचर्स हैं इसके अंदर दोस्तों, अगर आप कोई डबल डोर का रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनली अब हम बात करते हैं इसमें लुकिंग के साथ साथ इसके, तो इसके साइड में ही अगर आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर हैंडल मिल जाएगा, जो कि रेसिस्ट हैंडल बोला जाता है, पॉकेट हैंडल रेसिस्ट हैंडल रहेगा, लुकिंग बहुत ही अच्छी रहेगी दोस्तों। अगर आप साइड से भी इसकी लुकिंग देखेंगे तो मिरर फिनिश के अंदर रहेगी, स्टाइलिश लुकिंग के साथ में रहेगा दोस्तों ये वाला रेफ्रिजरेटर। बात करते हैं इसमें प्राइस की, तो दोस्तों ये वाला जो रेफ्रिजरेटर रहेगा इसमें आपको दो कैपेसिटी मिल जाएंगी, एक 244 लीटर आ जाएगा, एक 272 लीटर आ जाएगा। तो 272 लीटर की हम बात करें तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इस शानदार प्रोडक्ट की प्राइस की, तो ये कॉस्ट करेगा दोस्तों आपको 28,000 का। जी हाँ दोस्तों, 28,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में भी आपको अप टू 10% तक का आपको इसके अंदर कैशबैक मिल जाएगा, साथ में आप इजी EMI करा सकते हैं इसके अंदर। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर आपको डबल डोर के अंदर स्टाइलिश फ्रिज देख रहे हैं तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। बाकी बात करते हैं इसमें सर्विस की, तो सर्विस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, प्रोडक्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ पूछना हो या प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर अप्लायंस से जुड़ी जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, न्यू फीचर, न्यू प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।